Yes, student, now we are going to start exercise 1.6 of chapter 1. This is Roman numbers. Roman numbers kya hai? प्राचीन समय में रोमन लोग क्या करते थे? साइन के द्वारा नंबर्स को शो करते थे. उन्होंने हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के 7 लेटर्स लिए और उससे उन्होंने क्या किया? रोमन नंबर. जैसे अब 1 को वो कैसे राइट करते थे? आई. इंग्लिश अल्फाबेट हमारा आई है ना, उसको वो क्या लिखते थे? 1. उसके बाद 5 को उन्होंने लिखा हमारे वी से. वी वर्ड है जो हमारा, उसको उन्होंने क्या लिखा? 5. उसके बाद एक्स. एक्स से उन्होंने लिखा 10. एक्स से क्या बन गया? 10. और उसके बाद उन्होंने एल. एल से बनाया 50. एल से क्या बनाया? 50. सी से लिया उन्होंने 100. उसके बाद डी. डी से उन्होंने लिखा 500. और एम. एम से राइट किया उन्होंने 1000. तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वर्ड लिए उन्होंने? 7 वर्ड का यूज करते हुए उन्होंने रोमन नंबर से डिनोट किया. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1. 1. 2 के लिए उन्होंने क्या किया? 2 आई लेटर दिए. 2, 3, 1, 2, 3. कोई भी नंबर रोमन नंबर में 3 टाइम से ज्यादा नहीं आएगा. 4 को कैसे लिखेंगे? अब हम देखते हैं पहले 5 को कैसे लिखा है? बी से ना, तो बी. अब हमें इसमें से एक कम करेंगे तो 4 बन जाएगा. और अगर हम इसके बैकवर्ड आगे की पीछे की तरफ एक लगा दें तो ये 4 है. अगर आगे की तरफ लगा दें हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6. तो हमें अभी क्या लिखना है? 4 ना, तो हम इसमें से 1 बैक में लगा देंगे. 4. अब प्लस करना है 6. बी प्लस 1 6. 5 प्लस 2 7. 5 प्लस 3 इज 8. अब 9 को कैसे लिखेंगे? उससे पहले हम 10 लिखेंगे. 10 को कैसे राइट करते हैं? एक्स. एक्स में से 1 लेस कर देंगे तो ये 9 है. नेक्स्ट 11. 10 1 11. 10 2 12. 10 3 13. 10 4 14. 10 5 15. 10 6 16. 10 7 17. 10 8 18. 10 9 को हमने कैसे लिखा था? 1x, तो ये क्या हो गया? 19. और 20 के लिए हमें क्या करना है? 2x, मतलब 2 10 जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20. Yes, 21. 10, 20, plus 1, 21. 22, 10, 20, 22. 10, 1. कितने हो गए? 10 plus 10, 20. और 3 कितने हो गए? 23. Now, 24, 25, 26, 27. इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जो भी हम है वर्ड है उसको अगर हम अलग अलग कर दे तो वो हमारा सोर हो जाता है. जैसे 27, 10, 20 और 7 कितने हो गए? 27. नाउ 28. उसके बाद क्या है? 29. नेक्स्ट इज 30. 30 में हम क्या करेंगे? 3x, 3 10 हो जाएंगे हमारे पास. 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो गए? 30. नाउ 31, वैसे कंटिन्यू करेंगे. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. अब 39 को कैसे लिखेंगे? पहले हम 30, फिर 9, उसके बाद है 40. 40 को हम लिखेंगे XL. अब हमने XL क्यों लिखा? क्योंकि 50 हमारा है L.
अब 50 में अगर हम 10 कम कर देंगे तो ये 40 बन जाएगा, और कोई भी डिजिट 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 3 टाइम्स आ चुका है 30, तो हमें 40 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक्सएल। मतलब 50 में 10 हमने लेस कर दिए हैं तो ये कितने हो गए, 40। नाउ 41, 40 लिखिए, 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और फिर 49। पहले हम 40 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 और 50 हमने पहले राइट कर लिया है। 50 को हमने किससे शो किया है, एल से। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। थैंक यू।